4.5 लाख रुपए में देंगे और 6.5 लाख रुपए में, तो 6,40,000, 5,60,000 रुपए में, तो 3 लाख रुपए में देंगे, 4.5 लाख रुपए में, 4,60,000 रुपए मात्र पड़ेगा, मात्र 80,000, 65,000। आपके चैनल के थ्रू आता है 55,000 में आपको गाड़ी, 50,000, 1,20,000, 53,000, 60,000, मात्र 78,000, 32,000 में आपको, आपके चैनल थ्रू आता है 32,000 में फोन करके इसको 18,000 में आपको, 18,000। दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऐशोर लोग, कैसे हैं आप लोग। आज आपका भाई आज करते हैं इसी एकदम धमाकेदार वीडियो लेके, भाई न्यू कार बाजार की आज गाड़ी का कलेक्शन होने वाला है, देख लीजिए आप लोग लाइन से, मतलब गाड़ी एकदम लगा हुआ है, भरमार कलेक्शन होने वाला है भाई गाड़ी का आज न्यू कार बाजार में। आप लोग कॉमर्शियल गाड़ी दिलाने वाले भाई यहाँ, तो पता ही आप लोग को रोजगार के लिए गाड़ी मिलता है। तो चलिए कहते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट। तो जो भाई हमारे चैनल पर नए हैं, जाके जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आपका भाई इसी तक इंटरेस्टिंग ब्लॉग भी चला जाता है। बाइक का कलेक्शन देख रहे हैं आप, तो बाइक पूरा भरमार कलेक्शन मिलने वाला है न्यू कार बाजार में। और भाई देखिए गाड़ी में पूरा भरा हुआ कलेक्शन एकदम, और रिंग रोड में है ये आप लोगों को पता ही है, बाकी आइए सर से पूछ लेंगे। चलिए करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट, चलिए देखते हैं गाड़ियों की। हेलो सर। हेलो, वेलकम, सब्सक्राइबर को हाई कर दीजिए। क्या हाल है? बहुत ही, बाकी शोरूम तो आप एकदम बड़ा लेवल का खोल दिया है। नहीं अभी बड़ा लेवल नहीं है, अभी बड़ा होने धीरे धीरे होगा, लेकिन मानना पड़ेगा पूरा रांची में सबसे ज़्यादा कॉमर्शियल कार है ना, जो कॉमर्शियल जो गाड़ी है ना आप ही डील करते हैं, क्योंकि काफ़ी बढ़िया बढ़िया स्टॉक है इस बार। कौन कौन सी गाड़ी की स्टॉक मिल जाएगी इस बार? हम ज़्यादातर स्टॉक लेके आए हैं मारुति सुजुकी का गाड़ी। मारुति सुजुकी, चलिए। बाकी आपका शोरूम का नाम है न्यू कार बाजार, लोकेशन बता दीजिएगा। मेरा शोरूम का नाम है न्यू कार बाजार, महेंद्र सिंह धोनी का जो फार्म हाउस रिंग रोड दाला दिल्ली में है, उसके जस्ट सामने मेरा शोरूम है। जैसे हाजी चौक से आते तो कितना? हाजी चौक से आपको 1.5 से 2 किलोमीटर का डिस्टेंस पड़ेगा, और दाला दिल्ली चौक से 1 किलोमीटर। भाई धोनी के फार्म हाउस का फार्म हाउस है वहाँ पर भाई, जस्ट उसके अपोजिट वाले रोड में इनका न्यू कार बाजार का शोरूम है। बाकी गाड़ी वगैरह बाहर तो लगा हुआ रहता है रोड में, बड़ा से बोर्ड लगा हुआ भाई न्यू कार बाजार का। चलिए तो आज क्या क्या कलेक्शन मिलने वाला है? कार के साथ बाइक भी होने वाली है इस बार, हम कार और बाइक दोनों देंगे। बाइक में मल्टीपल कलेक्शन का कलेक्शन है, और कार की बात करें तो ज़्यादातर आपको इस बार हम डिजायर लेके आए हैं। डिजायर जी, चलिए। तो डिजायर डीजल में दिलाने वाले की पेट्रोल? डीजल पेट्रोल दोनों मिक्स है। दोनों मिक्स है, और भाड़े में चलाने के लिए कमाने के लिए आप? भाड़े पे कमाने, जब भाड़े पे चलाने के लिए कमाने के लिए ओला उबर हमें अटैच करके देंगे, और जो गाड़ी जो रहेगा एक बार में कोई भी देख के पसंद कर लेगा। चलिए तो सारा का सारा गाड़ी कवर, ज़्यादा नहीं करते करते आज की वीडियो को स्टार्ट। हमारी पहली गाड़ी कौन सी होने वाली है? पहली गाड़ी जो आपको हम लेके आए हैं उसका नाम है मारुति सुजुकी का डिजायर 2S। डिजायर 2S, वो भी डीजल वेरिएंट में। डीजल वेरिएंट में, ओला में चलने वाली सबसे ज़्यादा डिमांडेबल और माइलेज का बाप, जो ओला में सबसे ज़्यादा गाड़ी चलती है वो डिजायर 2S चलती है। 2S जमशेदपुर नंबर गाड़ी? 05 जमशेदपुर नंबर गाड़ी है। चलिए बाकी बताइए, ओरिजिनल पेंट में है सर ये गाड़ी? ओरिजिनल पेंट में है, थोड़ा बहुत टचअप किया हुआ है गाड़ी में। और गाड़ी को एक बार फ्रंट भी देखिए भाई, गाड़ी का काफ़ी बेहतरीन कंडीशन है गाड़ी में, गाड़ी कहीं कोई तरह की दिक्कत नहीं लग रहा है फ्रंट में। बाकी आगे का बाहर का जो है ना गाड़ी कंडीशन काफ़ी बढ़िया है, जिससे इसको नंबर कमर्शियल गाड़ी है, हमारा आपके पास मतलब पीला ही रूम मिलेगा कमर्शियल ही नंबर ना। कुछ कुछ प्राइवेट भी गाड़ी है, प्राइवेट गाड़ी के बारे में आगे चर्चा करेंगे। चलिए बाकी अलॉय व्हील नहीं आता है इसमें, व्हील कवर लगा हुआ है। मॉडल कब की होने वाली होगी सर ये? मॉडल 2018 की है। 18, रनिंग की बात की जाए तो रनिंग 84,000 किलोमीटर चली हुई है। कोई दिक्कत 84,000 चला हुआ है तो?
नहीं अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ऑनरशिप पे जाए तो ऑनरशिप फर्स्ट ऑनर है। फर्स्ट ऑनर है ओरिजिनल पेंट में खुली खुली ओरिजिनल पेंट में खुली थोड़ा बहुत कहीं टचअप हल्का फुल्का टचअप बम्पर वगैरह में हल्का फुल्का टचअप मिल जाता है। बाकी गाड़ी में कहीं से कोई तरह की दिक्कत नहीं है। इधर से गाड़ी देखिए आप लोग, गाड़ी का बैक लुक काफ़ी बढ़िया कंडीशन में मिलने वाला है आप लोग को। देख सकते भाई स्विफ्ट डिजायर 2S है जो कि काफ़ी बढ़िया कंडीशन वाली गाड़ी, चारों टायर वगैरह कंडीशन, पाँचों टायर आप लोग को बहुत बढ़िया कंडीशन मिलने वाला है। बाकी इसके इंटीरियर की बात की जाए तो इंटीरियर में भी पूरा काम वगैरह नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत बाकी इंटीरियर थोड़ा बहुत इंटीरियर का काम करा के देंगे। जो भी इंटीरियर जो भी काम है वो सब काम डीजल आती है। बताइए क्या माइलेज निकाली? माइलेज 25-30 निकाल देगी। पक्का 100% गारंटेड। चलिए 25-30 मतलब निकाल देगी ना, निकाल देगी। तो बताइए आस्किंग प्राइस क्या रखा गया है इस गाड़ी का? ऐसा बताइए खुशी खुशी ले जाए, कुछ ऑफर भी दीजिएगा साथ में। इस गाड़ी का आस्किंग प्राइस जो है वो 4.5 लाख रुपए में देंगे ओला उबर में। मॉडल कब के बताए थे? 2018 की गाड़ी 4.5 लाख। 4.5 लाख ओला उबर में अटैच करके और सारा पेपर ओके, पॉल्यूशन तक अपडेट। अगर आपके माध्यम से अगर कोई आता है हमारे पास आपके चैनल के माध्यम से एसओआर ब्लॉग का नाम लेके उसका स्क्रीनशॉट दिखाएगा और वो सब्सक्राइब किया हुआ रहेगा हम उसमें 5,000 अलग से डिस्काउंट, 5,000 अलग से डिस्काउंट कीजिएगा। चलिए बाकी कोई गाड़ी वगैरह लेने के लिए आते हैं तो फ्यूल टैंक में तेल रहता है ना गाड़ी में? टंकी में ज़्यादातर तेल रहता है और अगर ऐसा कुछ रहता है कस्टमर अगर डिमांड करता है तो उसका अलग से 1,000 रुपये का तेल मिलेगा। चलिए 1,000 रुपये का भाई 10 लीटर तेल आपको फ्री मिलेगा और नंबर भी काफ़ी बढ़िया 8400। इंटीरियर में से क्या क्या जाता है? 4 पावर विंडो, साउंड सिस्टम एसी, 2 पावर विंडो आता है। बाकी साउंड सिस्टम एसी सब कुछ अवेलेबल। आइए भाई 4.5 लाख में विजिट की। नेक्स्ट गाड़ी की बात की जाए तो सर, नेक्स्ट गाड़ी जो हम आपको लेके आए हैं वो मोस्ट डिमांडेबल गाड़ी जो है ओला का मोस्ट डिमांडेबल गाड़ी डिजायर वी एक्स आई है। एकदम ब्रांड न्यू शोरूम कंडीशन में गाड़ी लग रही है भाई। गाड़ी मतलब एक स्क्रैचलेस गाड़ी है, पूरे फुल ओरिजिनल पेंट में, बम्पर टू बम्पर सारा ओरिजिनल पेंट में है। गाड़ी का नंबर देख लीजिए 2021 की गाड़ी है। एकदम ब्रांड न्यू कंडीशन में गाड़ी मिलने वाला है आप लोग को भाई। देख लीजिए गाड़ी में बिना स्क्रैचलेस गाड़ी है, एकदम व्हील कवर आता है, टायर की कंडीशन देखिए एकदम ब्रांड न्यू कंडीशन में आप लोग को टायर मिलने वाला है। इधर से गाड़ी आप लोग देखिए गाड़ी का फ्रंट व्यू साइड व्यू देख सकते हैं फुल कंडीशन में है। बाकी बैक लुक की बात की जाए ना भाई तो बैक लुक देखिए आप लोग, बैक लुक कुछ इस तरह मिल जाता है आप लोग को। गाड़ी में कहीं से कोई तरह का दिक्कत नहीं लग रहा है। बाकी बात करते हैं भाई गाड़ी में क्या क्या एसेसरीज आप लोग को मिल जाता है। मॉडल कब की होने वाली होगी सर ये? मॉडल 2021 की डिजायर VXi है। 21 की रनिंग की बात की जाए तो रनिंग 29,000 किलोमीटर चली है। ऑनरशिप फर्स्ट ऑनर है। मीटर टेम्परिंग में कोई छेड़छाड़ नहीं है? अपना मैकेनिक ला के चेक करा सकते हैं या जहाँ कंपनी में चाहे, कोई दिक्कत नहीं आप लोग को? नहीं। चलिए बाकी ऑनरशिप क्या है? फर्स्ट ऑनर। इंटीरियर में क्या क्या मिल जाएगा सर वैसे इसका? इंटीरियर में मिल जाएगा आपको सीट कवर लगा हुआ दिखा देते हैं। की बात की जाए तो देख सकते हैं भाई आप लोग चारों पावर विंडो, मिरर्स, लाइट का ऑप्शन, डबल एयर बैग, माउंट कंट्रोल, साउंड सिस्टम एसी भाई, एकदम नीट एंड क्लीन इंटीरियर भाई। सीट का कंडीशन है, लेदर का कम्फर्ट सीट है, हैंडरेस्ट वगैरह हर कुछ अवेलेबल है भाई गाड़ी में। गाड़ी में कहीं से कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं है। डीजल आती है? पेट्रोल आती है जी। तो बताइए सर क्या माइलेज देगी ये गाड़ी? माइलेज इसका होगा 18-20 का माइलेज है। पेट्रोल में भी 18-20 दे देगी? तो बताइए अब घर ले जाना तो आस्किंग प्राइस क्या रखा गया इसका? इस गाड़ी को मैं छोड़ दूंगा 6.5 लाख रुपये। 6.5 लाख में? 6.5 लाख में। मॉडल का तो 21 की है। 21 का है। 1.5 से 1.5 लाख रुपये तक डाउन पेमेंट में मैं छोड़ूंगा। अच्छा दाम 6.5 लाख है भाई, लेकिन 1 से 1.5 लाख में दे के आप ले जा सकते हैं अपने घर इसको। बाकी आप लोग भाई कमाइए, उसके बाद फिर पैसा आप लोग धीरे धीरे किस्त में भर सकते हैं महीना महीना। आइए 6.5 लाख में 2021 मॉडल चमचमाती हुई डिजायर विजिट कीजिए। नेक्स्ट फिर से हमारे पास एक ब्रांड न्यू डिजायर, मतलब कहाँ से लाए सर ऐसे ऐसे गाड़ी एकदम? कोई बोल ही नहीं सकता है कि सेकेंड हैंड शोरूम में लगा हुआ न्यू कार बाजार, आपका शोरूम का नाम भी एकदम कार भी न्यू है। ज़्यादातर गाड़ी हम खरीदते हैं ट्रांसपोर्टर से। चलिए ट्रांसपोर्ट वाले मतलब जो फर्म के नाम से रजिस्टर्ड है उन लोगों से डायरेक्ट, मतलब गाड़ी एकदम लग रहा नया है पूरा, एकदम शोरूम में लगा हुआ एकदम ब्रांडिंग। देख लीजिए भाई भाई गाड़ी आप लोग देखिए, एकदम गाड़ी में एक स्क्रैच बोलते हैं ना, स्क्रैच नहीं दिखेगा आप लोग को, पूरा ब्रांड न्यू। लेने के बाद 1 रुपया का काम नहीं करना, लेना है सीधे कमा सकते हैं लेके। अच्छी नंबर गाड़ी मिल जाती है आप लोग को। इधर से देखिए गाड़ी का साइड टिप है,
फ्रंट का प्रोफाइल देख लीजिए, टायर का कंडीशन देख लीजिए आप लोग। बस बात किया बैक लुक की ना, तो बैक लुक आप लोग दिखा दें। बैक लुक कुछ इस तरह मिल जाता है भाई गाड़ी का, देखिए काफ़ी बेहतरीन कंडीशन में, चारों टायर ब्रांड न्यू कंडीशन मिलने वाला है आप लोग को। बाकी बात की जाए मॉडल कब की होगी सर, ये मार्केट से गायब हो गई गाड़ी है। गाड़ी जो है डिजायर 2 VDI है, 2020 मॉडल, 19 की गाड़ी है, 20 की गाड़ी है। डीजल में आती है? डीजल में आएगी, डीजल में अब नहीं आती है, लेकिन अब ये बंद हो गई। डीजल आती है, रनिंग की बात की जाए रनिंग ये चला हुआ है 70,000 की। ऑनरशिप पे जाए तो फर्स्ट ऑनर की गाड़ी है। बाकी इंटीरियर की बात क्या क्या मिल जाएगा सर? इंटीरियर में सारी चीज़ें जो VXI में मिलती है वही VDI में भी मिलेगी। चलिए बाकी देख सकते हैं इंटीरियर में, देख लीजिए आप लोग भाई। चादर पावर विंडो है, मेरे स्लाइड का ऑप्शन, लेदर कंफर्ट सीट, एक चीज पॉइंट बताइए सर, स्टेयरिंग के पास क्रैक टाइप लग रहा है? स्टेयरिंग में क्रैक नहीं है, वो स्टेयरिंग हल्का सा वो है, खुला हुआ है, वो करवा देंगे। चलिए आप फिट करवा दीजिएगा, बाकी तो और गाड़ी में कोई खर्च वाला काम नहीं है, लेना है चलाना गाड़ी भाई। बाकी अब बाहर से एकदम प्रोफाइल लेना, इसका बाहर का प्रोफाइल काफ़ी बढ़िया है एकदम। बताइए क्या कीमत देना पड़ेगा आसिम प्राइस? कीमत की बात करें तो 6,40,000 रुपये आस्किंग प्राइस है मेरा, 6,40,000। कस्टमर कोई आते हैं तो थोड़ा बहुत हो जाएगा। चलिए भाई 19 की गाड़ी है भाई, आप लोग को सोचना नहीं है, जल्दी से नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ मजहदुल सर का, जल्दी से आइए कॉन्टैक्ट नंबर पर, विजिट कीजिए, इनसे बात कीजिए, क्योंकि भाई बहुत सारे शोरूम है, लेकिन इस शोरूम का जो कार का कंडीशन है ना, इस कंडीशन में आप लोग को कहीं नहीं मिल पाएगा, और इस प्राइस में भाई 6,50,000 में आप लोग को चमचमाते नई शोरूम वाली कार मिल जाएगी, आइए विजिट कीजिए। नेक्स्ट गाड़ी की बात की जाए तो सर, नेक्स्ट गाड़ी की बात करें तो हम इस बार कुछ कुछ नया भी गाड़ी लेके आए हैं। देखिए ये गाड़ी जो है वो 2022 की गाड़ी है, वैगनार VXI, मतलब लगभग आपके यहाँ 1-2 साल पुरानी गाड़ी, 1-2 साल इस बार का स्टॉक में, 1-2 साल की पुरानी। चलिए ये प्राइवेट नंबर गाड़ी है, प्राइवेट नंबर की गाड़ी देख सकते हैं भाई, अपने यहाँ लोकल रांची की गाड़ी है, प्राइवेट नंबर वैगनार है। बाकी आप लोग वैगनार का लुक देख लीजिए, काफ़ी बढ़िया गाड़ी है, गाड़ी में कोई तरह की दिक्कत नहीं है। टायर की कंडीशन की बात की जाए तो देखिए ब्रांड न्यू कंडीशन है, मतलब सभी गाड़ी एकदम भाई मिंट कंडीशन में गाड़ी बोल सकते हैं, एक रुपये का बिना खर्च वाला काम है एकदम। इधर से गाड़ी का प्रोफाइल देखिए, बैक कैमरा लगा हुआ है। कब की गाड़ी होगी सर ये? गाड़ी होने वाली है 2022 की गाड़ी, 2022 की गाड़ी। रनिंग की बात की जाए तो रनिंग 36,000 किलोमीटर चली हुई है। ऑनरशिप पे जाए तो ऑनरशिप की बात करें तो फर्स्ट ऑनर की गाड़ी है, फर्स्ट ऑनर गाड़ी है। इंटीरियर में एक बात करते हैं, इंटीरियर में क्या क्या मिल जाता है? इंटीरियर में आपको जो रिक्वायर्ड है, इंटीरियर की बात की जाए तो देख सकते हैं आप लोग, चारों पावर विंडो, डबल एयर बैग भाई, बैक कैमरा लगा हुआ है बाहर से, आफ्टर मार्केट LED स्क्रीन लगा हुआ है। इधर से देख सकते हैं आप लोग सीट का कंडीशन काफ़ी बढ़िया कंडीशन में, तो गाड़ी में कहीं से कोई तरह की दिक्कत नहीं है, गाड़ी देना है बस चलाना है। बाकी भाई गाड़ी काफ़ी बेहतरीन लुक में दिख रहा है, देखिए 1 रुपया जो खर्च बोलते हैं ना, 1 रुपया खर्च नहीं दिख रहा है इस गाड़ी में। तो बताइए सर क्या कीमत देना पड़ेगा इस चमचमाती हुई वैगनार का? डीजल में आती है क्या? पेट्रोल में। माइलेज क्या निकाली? 18-20 ये भी, ये भी 17-18 निकाली। तो बताइए क्या कीमत देना पड़ेगा? कीमत की बात करें तो हम इस गाड़ी को 5,60,000 रुपये में, 5,60,000। आइए भाई 5,60,000 में चमचमाती हुई वैगनार मिल जाएगी आप लोग एकदम ब्रांड न्यू कंडीशन में, प्राइवेट पर्सनल कार है, पर्सनल यूज़ के लिए विजिट कीजिए। नेक्स्ट गाड़ी की बात की जाए तो, नेक्स्ट गाड़ी की बात करें तो ये गाड़ी तो बंद हो चुकी है, लेकिन डॉक्टर और वकील ये सबका मोस्ट डिमांडेबल गाड़ी जो है था एक ज़माने में, ये सबसे मोस्ट डिमांडेबल गाड़ी है। गाड़ी आप देख सकते हैं निशान का माइक्रा है, 2018 मॉडल, 18 की गाड़ी है। बाकी देख सकते हैं अपनी रांची में गाड़ी है, गाड़ी का काफ़ी बढ़िया कंडीशन लग रहा है, अलॉय व्हील नहीं आता है। टायर की कंडीशन देखिए भाई, टायर की कंडीशन भी आते तो यहाँ थोड़ा सा टायर, जैसे टायर की बात करें तो थोड़ा सा जो टायर है, अगर टायर अगर कस्टमर बोलेगा तो हम चेंज करके देंगे, चेंज कर दीजिएगा। चलिए बाकी आप लोग गाड़ी का बैक लुक की बात की जाए तो बैक लुक आप लोग दिखा दें भाई गाड़ी का। बाकी गाड़ी तो लगभग काफ़ी बढ़िया कंडीशन में, यहाँ पे देखिए गाड़ी का बैक लुक काफ़ी बढ़िया कंडीशन में लग रहा है भाई। केन धनबाद की गाड़ी है सर ये, धनबाद नंबर गाड़ी है। चलिए इंटीरियर की बात की जाए तो, इंटीरियर में आपको फ्रंट का 2 पावर विंडो मिल जाता है, सेंट्रल लॉक मिल जाएगा, और एयर बैग सिंगल है क्या? एयर डुअल एयर बैग है, डुअल एयर बैग है। बाकी बाहर से साउंड सिस्टम सोनी का म्यूजिक सिस्टम लगा हुआ है,
सीट का कंडीशन वगैरह काफ़ी बढ़िया कंडीशन लग रहा है। छोटी फैमिली की काफ़ी बढ़िया गाड़ी है जी। डीजल आती है? पेट्रोल। पेट्रोल आती है। माइलेज क्या निकालेगी सर? माइलेज ये भी 15 से 17 के बीच में निकाल देगी। तो बताइए, इस घर को चमचमाती हुई गाड़ी को ले जाने के लिए क्या कीमत देना पड़ेगा निशान की गाड़ी? गाड़ी को मात्र 3 लाख रुपये में दे देंगे। मात्र 3 लाख। मॉडल कब की बताए? 2018 की गाड़ी। मात्र 3 लाख। 3 लाख फिक्स है कि इसमें भी थोड़ा बहुत उसमें भी कर लेंगे? चलिए भाई, 3 लाख है, उसमें भी थोड़ा बहुत कम हो जाएगा। जल्दी से आइए, देर मत कीजिए। नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, विजिट कीजिए। नेक्स्ट गाड़ी की बात की जाए तो नेक्स्ट गाड़ी की बात करें तो ये भी कमर्शियल गाड़ी है, वैगनार VXi। ब्लू कलर में वैगनार VXi है। बाकी आप तो गाड़ी का फ्रंट व्यू देखिए भाई, गाड़ी कुछ इस तरह मिल जाता है आप लोग को। गाड़ी में कहीं से कोई तरह की दिक्कत नहीं, कमर्शियल नंबर पीला ब्लू हो जाए। बाकी देखिए जैसे गाड़ी कहीं से थोड़ा बहुत माइनर स्क्रैचेस दिख रहा है, इसका टायर वगैरह थोड़ा सा टायर नया लगा के देंगे, मतलब ब्रांड न्यू टायर लगा के देंगे विद वारंटी। चलिए, और थोड़ा बहुत जो भी काम अगर लगता है, काम है कस्टमर बोलेगा हम उसको करके देंगे। कस्टमर को मतलब यहाँ से ले आना है, एक रुपए का काम नहीं कराना है, कस्टमर यहाँ से लेके जाएगा चलाएगा। चलिए, बाकी देख सकते हैं कवर आप लोग को मिल जाता है। बाकी बैक लिफ्ट की बात की जाए गाड़ी की बैक लिफ्ट आप देख सकते हैं इस तरह मिल जाता है, काफ़ी बढ़िया कंडीशन में गाड़ी का लुक है। इंटीरियर की बात की जाए सर, इंटीरियर में क्या क्या मिल जाता है? इंटीरियर में 4 पावर विंडो, सेंटर लॉक, डबल एयर बैग आ जाता है क्या इसमें? सिंगल एयर बैग मिलता है जी। सिंगल एयर बैग है। बाकी देख सकते हैं साउंड सिस्टम, AC हर कुछ अवेलेबल है भाई। बाकी गाड़ी डैशबोर्ड नीट एंड क्लीन है। इधर से देखिए, पीछे से गाड़ी का कंडीशन काफ़ी बढ़िया है भाई, लदर का कम्फर्ट सीट लगा हुआ, भाड़े में चलने के लिए काफ़ी बढ़िया गाड़ी है ना जी। पेट्रोल आती है ये भी? पेट्रोल। 17 से 18 का माइलेज दे दीजिए जी। चलिए, तो बताइए आप क्या चमचमाते हैं इस वैगनार का, क्या कीमत देना पड़ेगा गाड़ी को? हम 4.5 लाख रुपये में। 4.5 लाख, वो भी मॉडल तो क्यों बताए थे? हो जाएगा अगर आके सामने बात करता है, टेबल पे आके बात करेगा तो छोड़ देंगे। कब की मॉडल बताए थे? मॉडल 2019 की गाड़ी है। 19 की गाड़ी 4.5 लाख। इसे नया में क्या पड़ जाता है इस गाड़ी का? अभी 8 लाख रुपये पड़ रहा है। 8 लाख पड़ रहा है, 8 लाख। चलिए, जो कि मात्र आप लोग को 19 की गाड़ी है भाई, 4.5 लाख में मिल जाएगा, वो भी फिक्स नहीं है। हमारे चैनल के थ्रू आते स्क्रीनशॉट दिखाते हैं तो थोड़ा बहुत कम हो जाएगा उसमें भी, आइए विजिट कीजिए। चलिए अगली गाड़ी की तरफ चलते हैं। बात की जाए तो नेक्स्ट गाड़ी की बात करें तो हुंडई का i20 है। हाँ, हुंडई की i20 एक्टिव जी। चलिए, i20 एक्टिव है भाई। बाकी देख सकते हैं वाइट कलर में है, प्रोजेक्टेड लैंप के साथ आती है गाड़ी। रांची नंबर गाड़ी है अपनी भाई, अलेविल कंपनी फिटेड है जी। कंपनी फिटेड है, देख सकते हैं कंपनी फिटेड अलेविल आता है भाई। बाकी देखिए गाड़ी थोड़ा सा डस्ट वगैरह पड़ा हुआ है गाड़ी में, लेकिन गाड़ी बाकी काफ़ी बढ़िया कंडीशन। मॉडल कब की है? मॉडल 2019 की गाड़ी है। रनिंग लगभग 23,000 किलोमीटर चली हुई है। ऑनरशिप फर्स्ट ऑनर की गाड़ी में। फर्स्ट ऑनरशिप गाड़ी है, जितनी भी गाड़ी आया सब फर्स्ट ऑनर की गाड़ी। फर्स्ट ऑनर है। बाकी गाड़ी का एक बार बैक भी दिखा दें इस गाड़ी का भाई, देख लीजिए गाड़ी का बैक भी कुछ इस तरह मिल जाता है आप लोग को। काफ़ी बढ़िया कंडीशन में गाड़ी है भाई, छोटी फैमिली के लिए गाड़ी है। इस गाड़ी का प्राइस काफ़ी बढ़िया है, एकदम जेन्युइन प्राइस आप लोग को मिलने वाला है इस गाड़ी का। ये गाड़ी आप लोग मतलब चाहे तो एकदम तुरंत झट से खरीद सकते हैं भाई। बताइए इंटीरियर में क्या क्या मिल जाएगा इसके? इंटीरियर में आपको मिल जाएगा पावर विंडो, स्टीयरिंग, पावर विंडो, साउंड सिस्टम, एसी सारा चीज़ मिल जाएगा। डबल एयर बैग, साउंड सिस्टम, हर कुछ अवेलेबल है। बताइए क्या कीमत देना पड़ेगा? 4,60,000 रुपये मात्र। 4,60,000 19 की गाड़ी है। 2019 की गाड़ी। चलिए 19 की गाड़ी है, 4,60,000 में आपको मिल जाएगा, नेगोशिएबल इसमें थोड़ा बहुत हो जाएगा। चलिए थोड़ा बहुत इसमें भी नेगोशिएबल हो जाएगा, आइए जल्दी से। बाइक जो है वो 20,000 से स्टार्ट होके कितना? 20,000 से स्टार्ट होके मात्र 20,000 से लेके 1,20,000 तक का। सोचिए भाई, 20,000 से स्टार्ट है, 1,20,000 तक का बजट का बाइक है। मतलब आप लोग चाहे तो 20 से मतलब 1,20,000 तक के बजट में जो भी आप लोग चाहे यहाँ गाड़ी अवेलेबल है, मिल जाएगा आप लोगों को। तो कहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं? आज हम बजाज का पल्सर से स्टार्ट करेंगे। बताइए सर, देख सकते हैं भाई पल्सर है, जो कि यहाँ आपकी रांची नंबर में, रांची नहीं का पलामू डाल्टनगंज नंबर की गाड़ी है। J03 पलामू नंबर गाड़ी है डाल्टनगंज। हाँ। और ये जो गाड़ी है ये 2021 की गाड़ी है। 21 की गाड़ी है जी, फर्स्ट ऑनर की गाड़ी। एक्सीडेंटल वगैरह नहीं है सर गाड़ी? एक्सीडेंटल नहीं है। चलिए, 21 की गाड़ी है, फर्स्ट ऑनर, चली हुई क्या होगी? चली हुई
25 से 30 हज़ार किलोमीटर चली हुई। 25 से 30 हज़ार किलोमीटर चला हुआ है। बाकी गाड़ी का आप लोग देख लीजिए, ओवरऑल लुक काफ़ी बढ़िया है, जिसमें टायर वगैरह सब बढ़िया है। गाड़ी में कोई तरह का काम, किसी तरह का कोई काम नहीं है सर, किसी भी गाड़ी में आपको काम नहीं मिलेगा। सभी गाड़ी का अच्छा माइलेज क्या देती है? माइलेज की बात करें तो 35-40 का माइलेज है। 35-40 का माइलेज आराम से निकाल देगी। बाकी गाड़ी में कहीं से कोई तरह की दिक्कत नहीं, देख सकते हैं आप लोग। बताइए क्या प्राइसिंग है? आस्किंग प्राइस है 65,000 रुपये मात्र। 65,000 जी, फिक्स है एकदम? थोड़ा बहुत नेगोशिएशन हो जाएगा। चलिए थोड़ा बहुत नेगोशिएबल हो जाएगा, आइए विजिट कीजिए। नेक्स्ट गाड़ी की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट गाड़ी कौन सी होने वाली है? ये नेक्स्ट गाड़ी जो है पल्सर NS 200। पल्सर NS 200 है भाई, देख सकते हैं वाइट और जो ग्रे कलर का कॉम्बिनेशन काफ़ी बढ़िया लग रहा है। इधर से देख लीजिए गाड़ी, गाड़ी में कहीं से कोई तरह की दिक्कत नहीं है। गाड़ी काफ़ी बेहतरीन कंडीशन में भाई। मॉडल कब की है? ये मॉडल 2020 की गाड़ी है। रनिंग क्या चला हुआ है? रनिंग की बात करें तो 18,000 किलोमीटर मात्र चली हुई है। ऑनरशिप? फर्स्ट ऑनर की गाड़ी है। माइलेज क्या निकाल देगी? माइलेज 30-35 का माइलेज इसका भी है। 30-35 का दे देगी। बताइए आस्किंग प्राइस क्या रखा गया? 1,20,000 रुपये मात्र। 1,20,000 मात्र। नया में क्या पड़ जाता है? 170 के लमसम पड़ता है। 170। और मॉडल कब की बताए? 2020 की गाड़ी है। 20 की गाड़ी है, 1,20,000 में आप लोग को मिल जाएगा भाई। थोड़ा बहुत काम है इसमें तो कुछ करा दीजिएगा, जो भी काम होगा काम है वो सब करा देगा। चलिए आइए भाई, 1,20,000 में चमचमाते ही पल्सर NS 200 विजिट कीजिए। नेक्स्ट कौन सी होने वाली है सर? पल्सर है 125। पल्सर 125। चलिए 125 पल्सर है, रांची नंबर है 22 है। चलिए ऑनरशिप पे जाए तो फर्स्ट ऑनर। गाड़ी में कहीं से कोई तरह की दिक्कत सर? कोई दिक्कत। बाकी गाड़ी काफ़ी बेहतरीन कंडीशन में लग रहा है। थोड़ा बहुत अगर कहीं काम होगा तो करा दीजिए। करा के देंगे। क्या कीमत देना पड़ेगा? मात्र 80,000। बस 80,000? और थोड़ा बहुत नेगोशिएबल बताइए। नेगोशिएबल हो जाएगा अगर हमारे चैनल के थ्रू आते तो। चलिए इतना नेगोशिएबल कर दीजिए ताकि मिठाई ले जा सके घर अपना एकदम। चलिए आइए 80,000 में विजिट कीजिए। नेक्स्ट गाड़ी की बात की जाती सर? पल्सर 125 से है। पल्सर 125 सीसी का है भाई। देखिए गाड़ी काफ़ी बढ़िया कहीं इसमें लग रहा है। इधर से गाड़ी का ओवरऑल लुक देखिए, ओरिजिनल पेंट में है। ओरिजिनल पेंट, रांची नंबर गाड़ी है। कब की मॉडल है? रांची नंबर नहीं है, 11 गिरिजी नंबर है भाई, सॉरी 11 गिरिजी नंबर गाड़ी। बाकी गाड़ी काफ़ी बेहतरीन कंडीशन में लग रही है। 21 मॉडल है। रनिंग की बात की जाए तो ऑनरशिप फर्स्ट ऑनर गाड़ी है। बाकी गाड़ी में कहीं से कोई तरह का दिक्कत नहीं है। क्या कीमत देना पड़ेगा सर इस गाड़ी का? मात्र 65,000। पैसे क्या आइए भाई, 65,000 में कमाती है पल्सर 125 सीसी मिल गई है। नेक्स्ट माइलेज का बाप एकदम, माइलेज का बाप 29। चलिए मतलब इनके माइलेज के मामले में इसके सामने सभी गाड़ी फेल है। फेल प्लैटिना 21 मॉडल है, फर्स्ट ऑनर है। 21 की गाड़ी है, 21 की गाड़ी भाई, प्लैटिना 21 की गाड़ी है, फर्स्ट ऑनर है। किलोमीटर की बात करें तो 18,000 चली हुई है। 18,000 माइलेज क्या निकालती है बताइए? सीरियसली इसका 70 तो एकदम देता है। 70 मतलब 70 दे देगा ना भाई माइलेज के मामले में? 70 का मतलब कितना तक का तेल लग जाता है इसमें? एक बार में कितना फुल हो जाएगा टैंक? इसमें 1,000 लगेंगे तो हमको लगता है कि 700-800 आराम से। आराम से भाई, 1,000 के तेल में 800 किलोमीटर आराम से चल सकता है। 70 का माइलेज देने वाली गाड़ी है भाई। बाकी देखिए गाड़ी काफ़ी बेहतरीन कंडीशन में, तो बताइए माइलेज तो बढ़िया है। इसको घर ले जाना एकदम अर्जेंटली में। मात्र आपको आपके चैनल के थ्रू आता 55,000 में आपको ये गाड़ी दे दूँ। 55,000 मात्र? मॉडल कल भी बताए थे 21 मॉडल। 21 की गाड़ी भाई, पूरी नई गाड़ी आप लोग को मिलने वाली मात्र 55,000 में। जल्दी से आइए, पहले चीन 70 के माइलेज देने वाली विजिट कीजिए। नेक्स्ट गाड़ी की बात की जाए तो 2019 मॉडल है। 19 की गाड़ी है, पल्सर 19 की पल्सर है भाई। बाकी देखिए गाड़ी काफ़ी बढ़िया, सीट वगैरह कंडीशन देखिए गाड़ी में। मतलब यहाँ सभी गाड़ी में कोई भी गाड़ी में खर्चा नहीं ज़्यादा, अगर होता है तो वो आप करा के मॉडल कब की बताए? 19 मॉडल है। रनिंग की बात करें तो 25 है। ऑनरशिप क्या? फर्स्ट ऑनर, जितना बाइक है मेरे पास फर्स्ट, सभी गाड़ी फर्स्ट ऑनर है। क्या कीमत देना पड़ेगा सर? इसका कीमत है 50,000। आइए भाई 50,000 में चमचमाते हैं पल्सर विजिट कीजिए। नेक्स्ट फिर से पल्सर, मैं पल्सर का पूरा महामेला है एकदम। पल्सर का महामेला है, ये है 2019 मॉडल, ये भी है 19 की गाड़ी, ये भी है भाई पल्सर, देख सकते हैं आप तो। गाड़ी काफ़ी बढ़िया कंडीशन में लग रहा है, इधर से देखिए। बाकी बताइए रनिंग क्या चला हुआ है? रनिंग चला हुआ है 24,000। सभी फर्स्ट, क्या कीमत देना पड़ेगा इसको? आपको हम दे देंगे 45,000। मात्र 45,000।
थोड़ा बहुत और कम उसमें हो जाएगा, आपके चैनल थ्रू आता है तो इसमें 2000 का डिस्काउंट। चलिए अगर हमारे चैनल के थ्रू आपको तो और 2000 का डिस्काउंट हो जाता है, आइए 45,000 में विजिट कीजिए। चलिए नेक्स्ट एकदम फुली मॉडिफाइड कौन सी गाड़ी है? बुलेट है भाई, बुलेट की जो भी बुलेट लवर है ना, एकदम फुली मॉडिफाइड गाड़ी है, जिनके लिए भाई को चाहिए भाई गाड़ी तो एकदम काफ़ी फुली मॉडिफाइड है। ओरिजिनल पेंट में है ये गाड़ी, ओरिजिनल पेंट है। कब की मॉडल है ये? 2005 के मॉडल। कब की? 2005। पाँच की गाड़ी है भाई, पाँच की गाड़ी है बताइए एकदम, मेरे अपने टाइम की है भाई, बहुत पुराने टाइम की गाड़ी है ना, पाँच की गाड़ी देख सकते हैं भाई, रॉयल इनफील्ड। तो मतलब गेट वगैरह सब फेल हो गया इसका? सब फेल, रजिस्ट्रेशन फेल हो गया। तो फिर कैसे होगा अगर किसी को चलाना होगा तो? चलाने कोई दिक्कत नहीं, इसका आरसी ओनर बुक मिल जाएगा। आरसी ओनर बुक मिल जाएगा ना, चलिए भाई। नंबर भी मतलब जो भी रखे है एकदम तो शौक से, J01501 नंबर है भाई इसका। बाकी गाड़ी का देखिए जैसे आपको कंडीशन, जिनके भाई को चाहिए ना एकदम लगा हुआ है यहाँ न्यू कार बाजार में, नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, तो बताइए इसका क्या चल रहा हुआ रनिंग? इसका रनिंग हुआ है आपका 70,000। ऑनरशिप? फर्स्ट ऑनर। फर्स्ट ऑनर, हर कुछ वर्किंग कंडीशन में है। चलिए भाई गाड़ी तो काफ़ी बेहतरीन है, बताइए क्या कीमत देना पड़ेगा इस मॉडिफाइड गाड़ी? 1,20,000। 1,20,000 पाँच की गाड़ी है जी, ऐसा क्यों? मॉडिफाई किया हुआ है सर, बहुत खर्चा हुआ है। मॉडिफाइड किया हुआ है, पेपर तो है ही नहीं, कैसे होगा? पेपर नहीं तो पेपर तो बोल रहे हैं ओनर बुक दे दें। ओनर बुक दे दीजिए। इसका देखिए इसका प्राइसा तो नहीं कोई पकड़ेगा फिर गाड़ी चलाने के बाद रास्ता में? कोई दिक्कत नहीं। तो मतलब समझे नहीं, री रजिस्ट्रेशन जब किया हुआ नहीं है, री रजिस्ट्रेशन तो नहीं किया हुआ है, तब कैसे नहीं पकड़ेगा? पेपर देंगे ना? पेपर दीजिएगा इसका। चलिए भाई बाकी यहाँ पर आकर आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा, बाकी गाड़ी तो एकदम बेहतरीन कंडीशन में, 1,20,000 में विजिट कीजिए। नेक्स्ट गाड़ी की बात की जाए तो ये सुपर स्प्लेंडर 2017 मॉडल, 17 की गाड़ी है। ऑनर पे जाए तो फर्स्ट ओनर। रनिंग क्या चला हुआ इसका? 40,000। 40,000, 40,000 के समथिंग चला हुआ। बाकी गाड़ी में कहीं से कोई तरह की दिक्कत नहीं है भाई, टायर वगैरह कंडीशन काफ़ी बढ़िया कंडीशन में है। बताइए क्या आस्किंग प्राइस देना होगा इसका? प्राइस है मात्र 53,000। 53,000, 53,000 में चमचमाती हुई सुपर स्प्लेंडर विजिट कीजिए। नेक्स्ट गाड़ी की बात की जाए तो स्कूटी है ना? स्कूटी होंडा का ड्यू है, होंडा की 2022 मॉडल है, 2022 की गाड़ी है। 22 की गाड़ी है भाई, एक्सीडेंटल वगैरह तो नहीं ना? एक्सीडेंटल नहीं, थोड़ा बहुत लाइट वगैरह खड़ा हुआ है इसका, थोड़ा सा दब गया, इसको करवा देंगे। चलिए सारा काम करवा के जाइएगा जो थोड़ा बहुत स्क्रैच वगैरह है। बताइए मॉडल कब होता है? 2022 मॉडल है, फर्स्ट ओनर है। रनिंग? रनिंग की बात करें तो मात्र 13,000। क्या प्राइस देना होगा इसका? 60,000। 60,000, ये भाई 60,000 में चमचमाते जी विजिट कीजिए। नेक्स्ट गाड़ी की बात की जाए तो सर 125 है भाई, एकदम नया कंडीशन लग रहा है। 22 मॉडल है, 22 की गाड़ी है, 22 मॉडल है भाई। रनिंग क्या चला हुआ है? रनिंग की बात करें तो चला हुआ है मात्र 8,000। मात्र 8,000, सर्विस रिकॉर्ड निकल जाएगा ना? निकल जाएगा। ऑनर सबसे फर्स्ट है, क्या कीमत देना पड़ेगा इसको? रखते हैं मात्र 78,000। 78,000, 78,000 में चमचमाती हुई पल्सर 125 विजिट कीजिए भाई। नेक्स्ट है अवेंजर, अवेंजर मॉडल का 2022 मॉडल है, ये भी है 22 की अवेंजर है भाई। गाड़ी देखिए ना काफ़ी बेहतरीन कंडीशन में है, टायर वगैरह कंडीशन आप देख सकते हैं, कोई तरह की दिक्कत नहीं। रनिंग क्या चला हुआ है? रनिंग की बात करें तो मात्र ये चला है 9,000 किलोमीटर। ऑनर से फर्स्ट ओनर काफ़ी मॉडल बताया, 2022 मॉडल, क्या कीमत देना पड़ेगा? मात्र 75,000। 75,000, आइए भाई 75,000 में चमचमाती हुई अवेंजर विजिट कीजिए। नेक्स्ट स्कूटी के बारे में बात की जाती है, ये हीरो का डिस्टिनी। हीरो का डिस्टिनी? डिस्टिनी, चलिए कब की गाड़ी है सर ये? 19 मॉडल है, 19 की गाड़ी है। रनिंग की बात की जाए तो? रनिंग की बात करती है 35,000 किलोमीटर चली हुई है। ऑनरशिप? फर्स्ट ओनर। फर्स्ट ओनर गाड़ी है भाई, बाकी गाड़ी काफ़ी बढ़िया कंडीशन में लग रहा है। बताइए क्या कीमत देना पड़ेगा इसको? 45,000 में आपको मिल जाएगा, आपके चार 45,000 इस पर 2,000 का डिस्काउंट। चलिए भाई 45,000 में मिल जाएगा, उसमें भी डिस्काउंट है, आइए विजिट कीजिए। नेक्स्ट गाड़ी की बात की जाए तो 2019 का है ग्लैमर, हीरो का 19 की ग्लैमर है भाई, देख सकते गाड़ी काफ़ी बढ़िया कंडीशन में लग रहा है। मॉडल कब की है? 19। रनिंग? रनिंग की बात करें तो चला हुआ 36,000 किलोमीटर। कितना? 36,000। 36,000, ऑनरशिप? फर्स्ट ओनर। क्या प्राइस देना पड़ेगा इसका? प्राइस है मात्र 53,000। 53,000, 53,000 भाई चमचमाती ग्लैमर विजिट की। नेक्स्ट है हीरो के स्प्लेंडर, स्प्लेंडर प्लस हीरो की है, नया कंडीशन में। कब की है? 9 महीना के मात्र 9 महीना की गाड़ी है भाई, मात्र गाड़ी का 9 महीना हुआ, पूरा गाड़ी नया कंडीशन में है।
बताइए रनिंग की बात की जाए तो रनिंग की बात की थी 11 से 12 चली हुई है ज़्यादा आ जाए ऑनरशिप फर्स्ट ओनर क्या कीमत देना पड़ेगा इस नई गाड़ी का 62,000 नया में कितना पड़ जाता है 96,000 मिनिमम 1,00,000 पड़ ही ज़्यादा है वहाँ पर 62,000 में मिलने वाला आप 9 महीने चले हुई गाड़ी आई है विजिट की नेक्स्ट गाड़ी की बात की जाए तो ये है TVS स्पोर्ट TVS इसका भी माइलेज बहुत है अच्छा कितना माइलेज निकाल देती है इसका माइलेज 60-65 की है दे देगी मॉडल कब की है 21 मॉडल है 21 गाड़ी तो फिर नया कंडीशन लग रहा है भाई 21 की गाड़ी है रनिंग क्या चला हुआ है रनिंग की बात करें तो ये चला हुआ है 26,000 ऑनर तो फर्स्ट ऑनर क्या कीमत देना पड़ेगा इसके रखे हैं मात्र 52,000 मात्र मिल जाएगा आप लोग भाई आइए विजिट कीजिए अब हमारी लास्ट गाड़ी के बारे में बात की जाए तो आपके यहाँ 20,000 की भी गाड़ी है नीचे है हाँ वो भी दिखाना है वो तो देखना ही है नेक्स्ट गाड़ी की बात की जाए हीरो ग्लैमर हीरो की ग्लैमर है 9 बोकारो नंबर बोकारो की गाड़ी 19 मॉडल है 19 की गाड़ी है रनिंग क्या चला हुआ है रनिंग की बात करें तो चला हुई है मात्र 27,000 भाई बाकी गाड़ी देख लीजिए आप लोग कहीं से कोई तरह की दिक्कत नहीं काफ़ी नया कंडीशन गाड़ी क्या प्राइस देना पड़ेगा इसका रखे हैं मात्र 55,000 आइए भाई 55,000 जब चमाते हुए बाइक विजिट कीजिए ग्लैमर चलिए नेक्स्ट गाड़ी होने वाली अपाची अपाची है 2017 मॉडल है फर्स्ट ओनर है 17 मॉडल फर्स्ट ओनर है भाई बाकी गाड़ी देखिए काफ़ी बढ़िया है टायर का कंडीशन थोड़ा सा इसका सर टायर चेंज कर देंगे चेंज कर दीजिएगा टायर चलिए बढ़िया है टायर चेंज करके मिलेगा बाकी गाड़ी भाई इधर से देख लीजिए काफ़ी बढ़िया कंडीशन में रनिंग क्या चली हुई 29,000 चली प्राइस क्या देना होगा इसका भाई 60,000 60,000 में चमचमाती अपाची भाई विजिट कीजिए नेक्स्ट गाड़ी है मैस्ट्रो स्कूटी जय 0 रांची नंबर है कब की मॉडल है 17 मॉडल है रनिंग के बाद 32,000 कौन होता है फर्स्ट आपके क्या कीमत देना पड़ेगा इस गाड़ी इसका मात्र 34,000 फिक्स है थोड़ा बहुत कम थोड़ा बहुत कर देंगे आपके चैनल कितना कम कर देंगे लास्ट प्राइस बताइए इसका लास्ट ताकि कोई घूम के ना जाए 33,000 रुपये हमें आपको 33,000 में दे दीजिएगा नाम ट्रांसफर अलग का लगेगा अलग से 33,000 में आप लोग को मिल जाएगा भाई जल्दी से आइए विजिट कीजिए नेक्स्ट गाड़ी की बात कीजिए सिटी 100 है इसका भी कौन सी है सिटी 100 है जो इसमें माइलेज की बात है 70 की माइलेज ये भी प्लेटिना ही जैसे 70 की प्लेटिना से ज़्यादा माइलेज प्लेटिना से ज़्यादा माइलेज देगी कब की मॉडल है 2019 मॉडल है रनिंग रनिंग की बात करें तो ये चली हुई 28,000 बाकी गाड़ी का कंडीशन देखिए भाई आप लोग काफ़ी बढ़िया ऐसी अच्छा कंडीशन में जमशेदपुर की गाड़ी यहाँ चलेगा तो कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं क्या कीमत देना होगा इसको मात्र 33,000 फिक्स है कि फिक्स एकदम इसका फिक्स रेट 32,000 में आपको आपके चैनल सुना था 32,000 में आपको 32,000 में 32,000 में दे दीजिएगा भाई एकदम काफ़ी बढ़िया 32,000 में आप लोग को मिल जाएगा आइए विजिट कीजिए चलिए बहुत देर से लोग वेट कर रहे थे क्योंकि फर्स्ट में वीडियो में सर बोल रहे थे कि 1,20,000 से स्टार्ट है 1,20,000 तक की गाड़ी 1,20,000 की गाड़ी देख लीजिए कि 2005 मॉडल फुली मॉडिफाइड है एकदम अब 20,000 की गाड़ी देखना है सर देखिए भाई ये 20,000 की गाड़ी फुली मॉडिफाइड गाड़ी है एकदम गाड़ी ऑन कंडीशन है ना ऐसा ना कि 20,000 है तो भाई नहीं ऑन चलता है ना गाड़ी चलिए चालू कंडीशन वाली गाड़ी है भाई मतलब ऐसा नहीं ना कि लेने के बाद कहीं बाहर गए थोड़ा बहुत घूमे फिर खराब कोई दिक्कत नहीं गाड़ी स्टार्ट करके देखिए जहाँ मिस्त्री को दिखाना है वहाँ दिखवा दीजिए कोई दिक्कत चालू कंडीशन में गाड़ी है मतलब पेपर भी बचा हुआ है पेपर कंप्लीट है लेकिन 2013 मॉडल है 13 की गाड़ी है ऑनरशिप फर्स्ट ओनर रनिंग 60,000 चला हुआ भाई बाकी गाड़ी देखिए गाड़ी ऐसा गाड़ी कहीं नहीं मिलेगा भाई एकदम मॉडिफाइड गाड़ी है फुली देखिए एकदम ओरिजिनल पेंट में सर ओरिजिनल पेंट में मॉडिफाइड एकदम टायर देखिए भाई ब्रांड न्यू कंडीशन में टायर आपको मिलता है यहाँ पर एकदम जो ऑरेंज है ऑरेंज ब्लैक का कॉम्बिनेशन काफ़ी बढ़िया लग रहा है गाड़ी काफ़ी बढ़िया है 20,000 में क्यों दे रहे कोई कारण बताइए इसका बाहर नंबर है यूपी नंबर इसलिए 20,000 उसको कोई चलिए यूपी नंबर है भाई जैसे कि देख सकते हैं आप लोग यूपी नंबर गाड़ी है इसलिए इसको 20,000 तो यहाँ चलेगा कि नहीं चलेगा चलेगा पेपर हम देंगे ऐसा नहीं ना कि कहीं रास्ते में कोई पकड़ लिया पुलिस वगैरह कोई दिक्कत नहीं इसलिए भाई 20,000 में आप लोग 20,000 एकदम फिक्स थोड़ा बहुत और कम कर दीजिए इसमें लास्ट प्राइस बताइए कि मतलब आया सीधा ले जाए फ़ोन करके इसको 18,000 में आपको 18,000 में भाई मात्र 18,000 में आप लोग को खोजने से भी नहीं मिलेगा 18,000 में भाई अब बताइए हर कुछ मतलब लाइट वगैरह सब हेडलैम्प वगैरह सब कुछ ऑन कंडीशन में चलिए भाई जल्दी से आइए 18,000 में चमचमाते ही गाड़ी ले जाइए
फुल पेपर ओके के साथ विजिट कीजिए। ये गाड़ी कलेक्शन तो काफ़ी बढ़िया बढ़िया था सर आपके यहाँ, मतलब कहीं से कोई तरह का दिक्कत नहीं है। और भी गाड़ी आप लोग के यहाँ मतलब आते रहती है ना, अभी बहुत सारी गाड़ी निकल गया, बाइक कलेक्शन पूरा भरमूर भरमार था। एक्सीडेंटल वगैरह आप लोग नहीं बेचते, डील करते सर? एक्सीडेंटल वगैरह गाड़ी कोई अपना मैकेनिक से चेक करा सकते हैं, करा सकते हैं कि देखिए आप लोग ऐसे आप लोग पे भरोसा बहुत पुराना है, आप लोग पे आप लोग बहुत दिन से गाड़ी सेल कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई अपना संतुष्टि के लिए चाहिए। अरे प्राइवेट को छोड़ दीजिए, हम कमर्शियल गाड़ी डंके की चोट में बेचते हैं सर, कि हम आपको कमाने का सुनहरा अवसर दे रहे हैं कि आप आइए हमारे पास से गाड़ी लेके जाइए और कमाइए, रोजगार पाइए। चलिए सुनहरा ऑफर, पूरे ऑफर पूरे झारखंड में कोई भी डीलर नहीं देता। ये बात तो सही बोल, आप गाड़ी के साथ ऑफर लेके हम आ रहे हैं, अगर हमारे से गाड़ी लीजिएगा तो हम आपकी गाड़ी को 5 साल का अनुबंध में कंपनी में अटैच करा देंगे, उससे आपको हर महीने 30 से 40 हजार रुपए का अर्निंग हर महीने उस गाड़ी से मिलेगी। मतलब आप गाड़ी के साथ साथ रोजगार भी देते हैं? रोजगार भी देते हैं। चलिए काफी बढ़िया बात है। बाकी बताइए फाइनेंस वगैरह क्या फैसिलिटी है? फाइनेंस की बात करें तो फाइनेंस हमारे पास मल्टीपल कंपनीज का ऑप्शन है, जिसमें आपको मिल जाएगा श्रीराम, चोला, महिंद्रा, HDB, उसके अलावा हिंदुजा, इतना कंपनी अभी हमारे पास अवेलेबल है। और कितना परसेंट डाउन पेमेंट फाइनेंस कर देते हैं आप? मिनिमम 30% मिनिमम डाउन पेमेंट, 30%। चलिए बाकी नाम ट्रांसफर का क्या लगता है? नाम ट्रांसफर अलग से होता है सर, हम नाम ट्रांसफर का जो चार्जेज होता है वो अलग से देते हैं। ऐसा तो नहीं था कोई कस्टमर गाड़ी खरीद रहे का सकता है इंजन में कोई प्रॉब्लम? अभी तक आपको पता ही है, आप मेरा जब 150 गाड़ी बेचे थे उस टाइम से आप वीडियो बना रहे हैं, अभी तक एक सिंगल कस्टमर हमारे पास कंप्लेन लेके नहीं आया है कि भैया आप हमें इंजन सीज वाला गाड़ी दे दिए, इंजन खराब है या ऐसा कुछ, मीटर टेम्परिंग का गाड़ी ऐसा कुछ, कोई भी एक कस्टमर का कंप्लेन हमारे पास नहीं आया। अच्छा, जैसे कि अगर 1 सप्ताह में गाड़ी लेते हैं अगर कहीं इंजन में कोई प्रॉब्लम आ जाती कुछ, तो मतलब कोई गारंटी वगैरह? 1 सप्ताह का 1 महीना के अंदर भी अगर कुछ ऐसा आएगा तो भैया हम रिटर्न दे देंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट काम करके दीजिएगा। चलिए बढ़िया बात है। बाकी नाम ट्रांसफर का अलग से लगता है पैसा? नाम ट्रांसफर का अलग, जो चीज़ देते हैं वही चीज़ बोलते हैं, जो चीज़ नहीं देते हैं वो चीज़ नहीं बोलते। चलिए बाकी कितना लगेगा भाई वो सब आप आके बात कर लीजिएगा सर से। बाकी और भी किन्हीं को गाड़ी चाहिए, और भी दूसरी गाड़ी यहाँ से अवेलेबल तो आप अवेलेबल करवा देते हैं? जी जी अवेलेबल। ठीक है सर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए ब्लॉग के साथ।